नमस्ते, हेलो, हाय एंड वेलकम टू टीआरटीएल कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। वैलेंटाइंस डे आ रहा है, स्पेशल एनर्जी एक दूसरे से मिलने के लिए, एक बेताबी। तो उनका यस्टरडे नाइट थॉट क्या था आपको लेके जानने के लिए, या अभी की जो वो रात को अकेले सोते हैं तो आपके लिए क्या सोचते हैं, देखने के लिए आज का रीडिंग कि उनका यस्टरडे नाइट थॉट फॉर यू। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे तो आपके लिए है, ये आपके सामने पॉप अप हो रहा है, मतलब आपके लिए है। तो 100% आपसे रेजोनेट होना चाहिए। अगेन, आप अच्छा से देखिए, सुनिए, समझ में आएगा आपका एनर्जी से आप कितना इसको कनेक्ट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। ये आपके पर्सन का यस्टरडे नाइट फीलिंग क्या था आपके लिए, क्या सोच रहे थे वो आपके लिए, देखने के लिए क्या सोच रहे थे काल रात को जब अकेले थे, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे थे। डिवाइन प्लीज हेल्प करें, इनका एक्चुअल जो थॉट्स है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, कलेक्टिवली जो थॉट्स है, प्लीज डिवाइन हेल्प करें, क्या एक्चुअली इनके दिमाग में चल रहा था, प्लीज डिवाइन हेल्प करें। फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ वांड्स, फायर साइड, एट ऑफ वांड्स, अगेन फायर साइड, पेज ऑफ कप्स, वाटर साइड, टेम्परेंस, डेविल कार्ड, स्टार कार्ड, नाइन ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स, Two of Swords, Page of Wands, Six of Wands, The Emperor, The Moon, King of Swords, Queen of Swords, and Knight of Pentacles. Okay, so let's start. कि ये जो आपका person, देखिए यहाँ पे all sign है, so अलग से क्या बोलना है, all sign है, मगर यहाँ पे नहीं, earth है, earth भी है, सब है। So Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. तो यहाँ पे सब टाइप साइन है, एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन। तो अभी वो लेके हम लोग तो कलेक्टिव रीडिंग है रहेगा, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए इनका कल रात का जो एक्चुअल फीलिंग था, फर्स्ट तो टू ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में, वो टू ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में थे कल, उनका दिल और दिमाग, टू ऑफ सॉर्ड्स का वह सॉर्ड्स है, तो एक है दिल एक है दिमाग, ऐसा जगह में फाइट कर रहा था कल रात को। एक्सट्रीम फिजिकल अर्ज फील कर रहे थे आपके लिए, आपके पर्सन जिन लोगों को एडिक्शन है वो एडिक्टेड भी थे, एंड उस टाइम में वो आपके लिए बहुत ज्यादा एक क्रेविंग फील कर रहे थे, ठीक है, क्रेविंग हो रहा था एक्चुअली उनका ये चीज का, ठीक है। बहुत लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए कम्युनिकेशन की इच्छा बहुत ज्यादा हो रहा था, कि रात को 2 बजे हो, 3 बजे हो, इनका नींद टूट गया है, इनको लग रहा है कि वो क्या कर रही है या क्या कर रहा है, एक बार कॉल करके देखे, या ये ऑनलाइन होके देखा कि आप लास्ट तक कितने टाइम ऑनलाइन थे, ऐसा अगर ब्लॉक्ड हो तो दूसरा अकाउंट से देख सकते हैं, या आपके लिए बहुत ज्यादा सोच रहे थे।
एक्सट्रीम एक सोच था आपके लिए, ये एनर्जी काल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आज काल का एनर्जी ऐसे स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैं आज ये रीडिंग मैं नॉर्मली करती नहीं हूँ रिक्वेस्ट की बात भी, मगर ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा मैंने, मेरा महसूस हुआ, तो इसीलिए मैं आज ये रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो बात जो है एक एक्सट्रीमली ये रीडिंग ऑफ जिनका कम्युनिकेशन नहीं है, ऑन एंड ऑफ है या कम्युनिकेशन है, क्रश है, सबके लिए ये रीडिंग आपके लिए, हस्बैंड वाइफ हो सकता है आप दूर दूर हो, कोई प्रॉब्लम हो, सबके लिए ये रीडिंग है। सो द थिंग इज टुमारो ऐसा कोई एनर्जी है, मतलब आप जिनको प्यार करते हो, जिनके लिए आप सुन रहे हो, ठीक है, आपके लिए वो, ये रीडिंग आपके लिए है, तो इनको स्ट्रॉन्गली कम्युनिकेट करने का इच्छा हो रहा था मिडनाइट पे, वो कहीं ना कहीं खोल के देख रहा था कि आप क्या कर रहे हो सोशल मीडिया में, इसमें मोबाइल खोल के या मतलब लैपटॉप पर, एनी हाउ वो देख रहे थे कोई भी डिवाइस से कि कैसे आपसे कनेक्ट किया जाए, कनेक्ट करने का हिम्मत हो ना हो, एटलीस्ट बहुत ज्यादा बहुत लोगों को कनेक्शन हो गया है, जगह नहीं भी हुआ है, वो बहुत ज्यादा आपको लेके ड्रीम कर रहे थे, समझ में आया, ये बहुत ज्यादा ड्रीम का एनर्जी है, बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा मतलब डे ड्रीम भी कर रहा है, नॉट ओनली आज नाइट का है, मगर मैं बार बार बोलूंगी ये आज भी मतलब ये कंटिन्यू आपको लेके सोच रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है अभी, ठीक है। और इनको क्या है, ये जैसे मैंने बोला ये दिल इनको बोलता है, दिमाग में क्या आ रहा है, ये थोड़ा लॉजिकली मैनिपुलेटिंग वे में चल रहा है, इनका जो काल का एनर्जी मैं देख रही हूँ, मतलब तुरंत कॉल कर देना चाहिए, तुरंत मैसेज कर देना चाहिए, उसके बाद भी ये थोड़ा सा जिन लोग चुप बैठे हैं, ये लोग बहुत ज्यादा सोच समझ के स्टेप ले रहा है, बहुत ज्यादा सोच समझ के स्टेप ले रहा है, इनको आना तो है ही, क्योंकि नाइट ऑफ वांड्स है, पैशनेट लव है आपके लिए, वो कल रात को और भी ज्यादा फील कर रहे थे आपको छूने का, आपको चूमने का, आपके पास आने का एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रहा है इस मोमेंट पे, आपका पर्सन का आपके लिए स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये एनर्जी है, देखिए इनका कोई मदर या फादर एनर्जी कोई इशू है, फैमिली इशू, मदर इशू, फादर इशू कुछ है, अदरवाइज ये खुद ही मदर है या फादर है, इस टाइप का एनर्जी का है, मगर डिप्रेशन था ये जो आपको नहीं पाने का, एक सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, एक इमोशनल फ्रस्ट्रेशन, दोनों में ये काल बहुत भुगत रहे थे, जिनका एडिक्टेड है इस दारू पीना, स्मोक करना, ये बहुत किया है, और जिनका नहीं है वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, आपको लेके सोच भी रहे थे, मगर कहीं ना कहीं से जो सिचुएशनल बर्डन है उसको लेके ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि कैसे होगा, क्या होगा, इस टाइप का एनर्जी इनके दिमाग में बहुत ज्यादा आ रहे थे, मैं जो एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। इनके पास बहुत कल का एनर्जी जो था, इनके पास बहुत फॉलोअर्स है इनका, इनका ऑप्शंस है, आपको छोड़ के भी ऑप्शंस है, इनका बहुत फॉलोअर्स भी है, मगर कल ये सब कुछ नहीं देख रहे थे, ये डिप्रेशन में थे, कल बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचना, ये बहुत ज्यादा ये ट्राई भी किया होगा, बहुत लोगों के लिए ये ट्राई भी किया होगा कि ठीक है इधर उधर बात करके थोड़ा मन बहल जाए, नहीं बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, वो फिर आपकी तरफ सोच और इसमें ही आया है, वो बहुत ज्यादा विश में थे कल, बहुत कुछ विश कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं से आपका जो स्पर्श है वो फील कर रहे थे, है आपके लिए बहुत ज्यादा तरफ एक फील, कहीं ना कहीं से आपका जब भी आपके लिए सोच रहे थे कुछ मैनिफेस्टेशन करना या ड्रीम करना, ड्रीम करने का एनर्जी तो आई है उस टाइम में, वो कहीं ना कहीं से हील हो रहे थे, हील फील कर रहे थे, जो इतना कॉम्प्लिकेसी है जिंदगी में एंड ऑल, इसके बाद भी एक हीलिंग फील हो रहा था उनको कल, साथ ही साथ एक डिप्रेशन था कि पॉसिबल नहीं हो रहा है, आप बात करने का इच्छा हो रहा है उनको, आपको छूने का इच्छा हो रहा है आपको, आपको चुमने का इच्छा हो रहा है उनको, मगर ये कर नहीं पा रहे थे, ठीक है। डिप्रेशन का एनर्जी बहुत है, उनको ये भी मालूम पड़ रहा था कि कहीं ना कहीं से ये आप भी उनको बहुत मिस कर रहे हो, उनको ये फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं से आप भी बहुत फील कर रहे हो, आप भी बहुत मिस कर रहे हो, इस टाइप का एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है आपके पर्सन की, आपके लिए यस्टरडे नाइट, ये आने के लिए सोच भी रहा है, कोई डिसीजन भी ले रहा है, मगर थोड़ा सा धीरे धीरे आने का लिए सोच रहा है, ओवरऑल एनर्जी यही दिखा रहा है, कल रात का जो थॉट है वो आपके लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेविंग विथ लॉजिकल माइंड, ये कॉम्बिनेशन इनका एक्चुअली है, ठीक है। कुछ स्टैंड लेने के लिए भी सोच रहे थे ये, कुछ चीज को, हो सकता है ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेसी है जिंदगी में जहां से उनको लग रहा है नहीं ऐसा करके जिंदगी नहीं चलने वाला, कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा, काल का ये टाइप का एनर्जी भी उनका है, ठीक है। जब ये बहुत ज्यादा ड्रीम करते करते पॉइंट तक जा रहे थे, उसके बाद जब हकीकत में उनका
ये टूट रहा था, हकीकत पे आ रहे थे, तब देख रहा था इतना सारा कॉम्प्लिकेसी। तो इनको कहीं ना कहीं से कुछ स्ट्रेटेजी बना के उनको लग रहा था कि यहाँ से निकलना है, ऐसा करके तो मेरा जिंदगी बीत जाएगा, ऐसा दुख दुख में ऐसा नहीं चलेगा। इस टाइप का एनर्जी में काल आपके रात में आपके पर्सन को मुझे दिख रहा है। ठीक, सो लेट्स सी कि देखते हैं कि एनर्जी ओरेकल में क्या होता है, एनर्जी ओरेकल में क्या एनर्जी निकाल के आते हैं। सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल, मैंने बोला ना इनका सेक्रल का बहुत ज्यादा कल इंटेंसिटी बहुत ज्यादा था, बहुत सेक्सुअल आर्ट्स था कल रात को आपके लिए। द थिंकिंग मैन, ये बहुत ज्यादा डीपली आपके लिए सोच रहे थे, बहुत ज्यादा डीपली आपके लिए सोच रहे थे। इन डिसीशन, हाँ, टू ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी आया है, डिसीशन नहीं ले पा रहा है कहीं ना कहीं स्टैंड होने का एंड ऑल, मगर ऐसी चीज में फंसा है, कुछ इंडिसीशन के अंदर से ये जा रहे थे, इसीलिए टू ऑफ सॉर्ड्स आया है हम लोगों का। ब्लॉसमिंग एवेंजर्स, उनको मालूम है आपकी तरफ आएंगे तो ब्लॉसमिंग एवेंजर्स की तरफ ही जाएंगे, वो इसीलिए पेज ऑफ वांड्स आया था, वो बहुत कुछ सोच रहे थे, बहुत ही सुंदर सा एक रोमांटिक सा एक माहौल सोच रहे थे आपको लेके। हाँ, ये तो है ही, ऑल टाइड अप एंड देन एंड देयर ये भी फील कर रहे थे कि मेरे लिए सब कुछ जैसे बाधा हुआ है, क्या करे, इस टाइप का डिप्रेशन था। इसीलिए एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज, दैट्स व्हाई ये बहुत सारा पॉसिबिलिटीज की तरफ, नाइन ऑफ वांड्स भी आया, नहीं मुझे कुछ स्टैंड लेना है, पॉसिबिलिटी देख रहा था कैसे करके इस सिचुएशन से ये निकले। एंड पेशेंस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, कितना अच्छा एनर्जी का कार्ड आता है ना, जो एनर्जी, देखिए एनर्जी ऐसा चीज है जो प्रॉपर पिकअप कर लेंगे वो सही हर जगह से एक ही एनर्जी आएगा, ठीक है ना। तो ये बात है, इस मोमेंट का यही एनर्जी रहेगा, ठीक है। तो पेशेंस, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, सोच समझ के धीरे वो ऑफर करना आपके पास आने के लिए सोच रहे थे। तो ठीक है, ये है आज का रीडिंग, देखते हैं बाबा का संदेश आपके लिए क्या है इस स्पेशल टाइम में आपके लिए। बाबा का संदेश देखते हैं, बाबा क्या बोलना चाहते हैं आपको। बाबा प्लीज हेल्प करें। दैव कृपा, परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुंचने की अलग अलग रास्ते हैं, हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है। मतलब कोई रिलीजियन लेके ये लेके आपके लिए है, अगर मन में है ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये जैन है, ये पार्स, ये सब लेके आप मत सोचिए। मेन है आत्मा, एक्चुअली एक ही है ना, गॉड वन गॉड। ये एनर्जी में जानिए, उसके ऊपर आप काम कीजिए, उस विश्वास को अंदर रख के लिए, ईश्वर आपके अंदर भी है, ब्रह्मांड का शक्ति है, उसके ऊपर काम कीजिए। ये रिलीजियन अनॉल बाबा बोल रहे इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर इस सिचुएशन में आप स्टक हो कोई कारण में तो यहाँ से निकाल के आइए। सेकेंड, पवित्र पुस्तक पढ़िए, आपने जो भी सीखा उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारियों के ज्ञान में बदल दीजिए। आपका अगर सेम, देखिए कोई भी चीज में आप स्टक हो तो वहां से निकालिए आप ज्ञान। अच्छा सा बुक पढ़ने से एंग्जाइटी भी रिलीफ होता है, मालूम है। तो ये बात है, तो ये आप बाबा का भी मैसेज यही है, अच्छा से गुड बुक पढ़िए, पवित्र बुक दीजिए पढ़िए, तो वो आपके सबकॉन्सियस में इतना अच्छा काम करेगा जो आपको नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रखेगा। तो ये था आपका आज का रीडिंग, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी सर्विसेज चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल डिटेल है एंड व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कीजिए। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कमेंट के जरिए आप लोगों के साथ मेरा ये बंधन ऑलवेज बंधा रहता है। कोई भी विश हो फील फ्री टू टेल इन कमेंट सेक्शन। मैं जब भी हीलिंग में बैठती हूँ रेकी मादर से डिवाइन से सच्चे दिल से प्रे करती हूँ कि आप लोगों का जो भी विश है पूरे हो जाए, एंड होने के बाद जब आप लोग मुझे मैसेज करते हो मैम मेरा विश फुलफिल हो गया है, थैंक यू गॉड। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेंगे। थैंक यू।